वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में देखने के लिए तैयार हो जाइए। प्रीता और करण के बीच में नजदीकियां बढ़ते हुए दिखाई देंगी। प्रीता और करण के बीच में दूरियां लाने की एक बार फिर से नाकाम कोशिश करते हुए निधि नजर आएगी। आने वाले एपिसोड में शौर्य का प्लान फ्लॉप हो जाएगा, बल्कि सबसे बड़ी सच्चाई बताएगी। और उसके बाद में क्या शौर्य अपना पूरी तरह से अंदाज बदल लेगा? क्या शौर्य पॉजिटिव हो जाएगा? क्या शौर्य और पल्की में प्यार हो जाएगा? क्या आखिर में वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं? कई सारे ऐसे बड़े सवाल हैं जो आप सब लगातार पूछ रहे हैं। एक एक करके चलिए सारे सवालों के आपके जवाब देते हैं। लेकिन इन सभी सवालों को बताने से पहले आप जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराते रहते हैं। आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आप सबके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर बेहतरीन मोमेंट लेकर आने वाला है, जिसमें करण और प्रीता एक दूसरे के नजदीक आएंगे। प्रीता के मन में करण को लेकर कुछ बातें सामने आने वाली है। निधि करण और प्रीता की नजदीकियां देखकर जलने वाली है। वो नया प्लान बनाने वाली है और नए प्लान के तहत वो यहाँ पर अब प्रीता और करण को अलग करने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या उसकी ये कोशिश कामयाब होगी या फिर नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और आप सबके लिए एक सबसे बेहतरीन और स्पेशल अपडेट ये है कि अब यहाँ पर राजवीर और पल्की के बीच में एक बार फिर से वो बॉन्ड नजर आने वाला है, जो कि अटूट होगा। और आने वाले एपिसोड में शौर्य को काफी ज्यादा बड़ा फटका लगने वाला है पल्की की तरफ से। पल्की सारी सच्चाई बता तो देगी राजवीर को, ये राजवीर के बारे में शौर्य को, लेकिन शौर्य अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं करेगा और आने वाले एपिसोड में पल्की के ऊपर गुस्सा होते हुए नजर आएगा। और यहाँ पर शौर्य का एक सबसे बड़ा मोटिव सामने आने वाला है, पल्की को वो राजवीर से छीनना चाहता है। ये सारी बातें अब आप सबके सामने होंगी। अभी वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार नहीं होगा इतने सारे सच जानने के लिए। और शौर्य यहाँ पर बदलने वाला नहीं है, शौर्य नया प्लान बनाकर वापस आएगा और पल्की को अपनाना चाहता है। इसी वजह से वो पूरी तरह से अपने प्यार को और उसके साथ साथ पल्की को अपने आप से दूर नहीं जाने देगा। और आने वाले एपिसोड में वो फिर से एक बार सबसे बड़ा कदम उठाएगा। लेकिन जब राजवीर का सच शौर्य के सामने आ चुका है तो क्या वो यहाँ पर बदल जाएगा? अभी आप सबका ये सवाल था। तो शौर्य अभी भी नेगेटिव ही रहेगा और उसके साथ साथ यहाँ पर वो अपने इस जो जवाब उसे मिला है कि उसका भाई है राजवीर, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। वैसे आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ में। थैंक यू।